अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे का फंडा, और इसको एग कटलेट्स भी बोलते हैं। तो रमज़ान आने वाले हैं तो कुछ रमज़ान स्पेशल वीडियो हो ही जाए, तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो जी मैंने 5 से 6 अंडे बॉईल कर लिए थे, और उसको मैंने इस तरह से बीच में से कट कर लिया है। और उसके बाद इसके अंदर अंदर का येलो वाला पार्ट है, उसे हमें अलग करना है। देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ, इस तरह से आपको अलग करके रखना है। ये देखें इस तरह से मैं सारे कर लेती हूँ, बाकी जो बचे हैं उसके बाद हमसे मिलते हैं। तो ये देखें, ये मैंने सारे दोनों पार्ट अलग कर लिए, येलो वाले भी और वाइट वाले भी। तो मैंने ये 2 आलू बड़े बड़े बॉईल करके रखे थे और उसको मैश कर लिया था। तो ये मैंने इसके अंदर अंडे की जर्दी डाल दी है, और उसको भी अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये देखें इस तरह से, तो ये मैंने अच्छे से मैश कर लिया। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट 2 टेबल स्पून जितना, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इसके अंदर मुझे ऐड करना है, मैं 2 प्याज थी उसे मैंने एकदम छोटे छोटे बारीक चॉप कर ली थी, वो ऐड करूँगी। और मैंने 50 ग्राम इसमें धनिया है फ्रेश, वो भी थोड़ा बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1 टेबल स्पून जितनी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक स्वाद अनुसार, ये देखें। तो अब इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है, ये देखें। और नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो इसके इंग्रेडिएंट एकदम ही कम है, और फटाफट बन जाएंगे ये हमारे कबाब। ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो ये देखिए ये हमारा तैयार है। उसके बाद हम इसको जो हमारा वाइट वाला अंडा था उसको एक साइड वो रखेंगे, और एक साइड ये मैंने जो मिक्सर तैयार करके रखा है वो लगाएंगे। देखिए इस तरह से लगाना है आपको, ये देखिए मैंने लगा दिया है, ये आसानी से जॉइंट हो जाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हो, ये मैंने एक लगा लिया है, बाकी सारे ऐसे ही लगा लेती हूँ। ये देखिए तो आप देख सकते हो मैंने सभी ऐसे लगा लिए। तो मैंने 2 अंडे कट करे, उसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक, और अच्छे से मिक्स कर लिया। तो सबसे पहले मैं इसे वो डिप करूँगी ब्रेड क्रम्स के अंदर, फिर मैं वापस से उसको डिप करूँगी एग के अंदर। और एग के अंदर डिप करने के बाद वापस से मैं इसको उठा के ब्रेड क्रम्स में डिप करूँगी, तो ये उससे और क्रिस्पी होगा। इस वजह से मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ, आप देख सकते हो क्रिस्पी अच्छा सा अच्छे से क्रिस्प आएगा। तो ये मैंने लगा लिया है, ये देखिए अच्छी तरह से लगाना है आपको। तो मैं आपको एक और बता देती हूँ कैसे करना है फटाफट, बस वही एक पहले ब्रेड क्रम्स फिर अंडा फिर ब्रेड क्रम्स। और ये देखें अब इसे हम, मैंने ऑयल पहले से ही गर्म करके रखा था, अभी फ्लेम एकदम स्लो है क्योंकि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो आप देख सकते हो 5 मिनट के अंदर ये हमारे फ्राई हो जाएंगे, बस ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई होने देना है। तो ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसे मैं निकाल लूँगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूले। जितने भी इंग्रेडिएंट्स सारे डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी दही वाले के साथ और केचप के साथ। ये माशाल्लाह हमारे घर में सबको बहुत अच्छे लगे थे, और आप रमज़ान में ज़रूर बनाना, बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। तो आप देख सकते हो दिखने में कितने मज़े के लग रहे हैं ना, इंशाल्लाह खाने में भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब मैं आपको इसको अंदर से कट करके दिखा रही हूँ। ये एकदम क्रिस्पी बना था, बाहर से एकदम क्रिस्पी था, क्रंची था, और आप अंदर से भी देख सकते हो सॉफ्ट है, और टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।